तो आज का जो मेरा मील है उसमें मैंने ये दो रोटी ली हैं, इसमें मैंने घी नहीं लगाया हुआ है और यहाँ पे परवल की सब्जी है और कम तेल में बनाया है इसको। स्पेशली इसमें मस्टर्ड ऑयल का मैंने यूज़ किया है, विच इज़ अगेन हेल्दियर। एंड देन यहाँ पे ये ड्राई मैंगो पिकल हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये सनड्राइड होते हैं और ये मेरी मम्मी जो हैं वो स्पेशली मेरे लिए है ना हर बार पैक करके रखती हैं। तो दिस इज़ माई मील। इसके पहले मैंने एक बहुत बड़ा कप चाय का पी चुकी हूँ जिसमें मैंने एक स्पून शुगर डाली थी एंड माई वन कप मस्ट बी अबाउट लाइक 3 कप्स, 3 नॉर्मल कप्स। एंड इसके बाद में एंड में मैं शायद एक मैंगो खाने वाली हूँ, बट मैं आपको मैंगो दिखाती हूँ। सो या वन ह्यूज मैंगो, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई माई स्वीट टूथ। तो दिस विल बी माई डेजर्ट फॉर द डे एंड मैंगोज आर इन सीजन। गुड, हैव मैंगोज, दैट्स रियली गुड फॉर योर गट हेल्थ। तो गाइज, बहुत टाइम से मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी नहीं बनाए एंड यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वॉट इज़ गोइंग ऑन विद दिस गर्ल। एंड आप लोग बहुत पूछते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन गोइंग ऑन एंड ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑल दैट। सो 3 बच्चे हैं, यू कैन इमेजिन कि है ना बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उसमें ऑक्यूपाइड रहता है एंड उसी कारण आई वॉज नॉट एबल टू यू नो डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो एंड आई वॉज यू नो नॉट फॉलोइंग माई फास्टिंग प्रॉपरली। बेयरली 12 आवर्स कर पाती थी या 16 आवर्स एंड देन आई यूज टू फील सो ड्रेन्ड आउट दैट आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग मच यू नो। एंड वाला द वेट केम बैक एंड इट केम बैक विथ वेंजेंस। और ये वेट मुझे बढ़ाने में लगा है ऑलमोस्ट लेट्स से 5 मंथ्स ऑफ टाइम, जब मैंने है ना एकदम स्लो डाउन कर दिया था, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो इसीलिए आई ऑलवेज से बी कंसिस्टेंट, बट समटाइम्स यू नो लाइफ इज़ डिफिकल्ट, थिंग्स हैपन एंड यू नीड टू बी ओके विथ वॉट एवर यू आर एबल टू डू एंड इट्स टोटली फाइन। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, दैट्स वॉट आई हैड डन। आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ दैट ओके आई लेट गो, नाउ आई अगेन हैव टू यू नो गो थ्रू दैट होल फेज ऑफ जहाँ पे मुझे कार्ब्स बहुत कम लेने हैं, कोशिश करना है कार्ब्स कम लेने की बिकॉज ऑफ कोर्स आई लव स्वीट्स एंड ऑल्सो आई लव टू ईट यू नो। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि अब जब आपका वेट लॉस फेज चलेगा तो यू हैव टू ईट मोर हेल्दियर, यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन इंडल्जिंग इन स्टफ लाइक वट एवर यू वॉन्ट और वट एवर यू लाइक, नो यू कैन नॉट डू दैट। So of course, this is what I thought that, you know, maybe many people like me go through this on and off. मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत बार वेट लॉस, बार बार वेट गेन, दिस इज़ लाइक अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाउ। और यू नो जब ये स्ट्रगल बहुत रियल होता है आपके लिए तो आप दूसरों से भी रिलेट कर सकते हो कि वो लोग किस दौर से, किस किन सर्कमस्टेंस में यू नो रह रहे हैं, राइट। सो एनीवेज, मैंने अभी 1 महीने से जो अपना वेट लॉस जर्नी है वो फिर से चालू की है, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को भी बताऊं कि दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड टू मूव ऑन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वट एवर हैज़ हैपेंड एंड वी शुड नॉट कीप ऑन ब्लेमिंग आवरसेल्व्स फॉर इट एंड जस्ट स्टार्ट। जहाँ से भी स्टार्ट कर सको, थोड़े से स्टार्ट कर सको वो कर लो, है कि नहीं। तो आई हैव स्टार्टेड अबाउट अ मंथ अगो एंड आई हैड इंक्रीज अबाउट 15 kgs, यू नो एक्चुअली मोर आई वुड से बिकॉज धीरे धीरे करके आई वॉज जस्ट लेटिंग इट गो एंड जब तक कपड़े फिट होते रहते हैं एंड ऑल, अपन को लगता है कि यार चला लेंगे, इट्स ओके, आज चलो कोई नहीं पार्टी पे खा लो, कोई नहीं आज नहीं करते हैं 16 घंटे का फास्ट, आज 12 घंटे का कर लेते हैं। यू नो यू कीप ऑन गिविंग इन टू योर माइंड और योर हार्ट
और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जो कंसिस्टेंसी जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि यू नो कंसिस्टेंसी इज गॉन, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी ओ द क्लोथ्स आर नॉट फिटिंग नाउ, ओ यू आर नॉट लुकिंग सो गुड इन द पिक्चर्स, एंड यू रियलाइज ओके द थिंग्स हैव गॉन साइडवेज. और उस समय इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हों जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु मैटर्स, राइट. तो अगर आप कर सकते हो, अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बना सकते हो वेयर यू अगेन स्टार्ट ऑन विद दिस जर्नी, इट्स बेटर. एंड द इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्टेप्स आई थिंक डू मैटर. तो अभी तक एक महीने में मैंने 5 किलो वज़न लूज़ कर लिया है, 5 नहीं बोलूँगी, आई थिंक 4.5 kgs आई हैव रिड्यूस्ड ऑलरेडी. एंड इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट बट इट्स गुड, बिकॉज अगेन टू गेट इन टू दैट होल फेज ऑफ फास्टिंग इट टेक्स अ लिटल बिट ऑफ टाइम, यू नो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. But that's all right, because you have been there, you have done that, so you can do it again, right? और मैं उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके बढ़ाऊँ. लेकिन बहुत ही अमेजिंगली मुझे एक हफ्ते के अंदर ही, फर्स्ट 4-5 days were a little difficult. I had to keep on drinking lot of green tea or lot of water, and of course it is hot right now. It's summers over here. तो उसके कारण मैंने बहुत बहुत पानी पिया ताकि मुझे वो भूख का एहसास जो है वो ना लगे. बट आफ्टर 4-5 days ऑफ लाइक नाइस क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी, लाइक डूइंग स्टार्टिंग विथ 18 hours अ डे, और मैं बहुत ही जल्दी 3-4 दिन के अंदर ही 21 hours फास्ट आराम से कर रही थी, बिकॉज माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन वॉज यूज टू ऑफ दैट थिंग. And then I stopped feeling that hunger sensation all the time. उसके बाद वो गया तो गया. अभी of course गर्मी बहुत है तो इसीलिए मुझे है ना सर दर्द बार बार हो रहा है, and that is also because मेरी body जो है वो बहुत ज़्यादा carbs की used to हो गई थी, and carb is like you know it's kind of an addiction. जो sugars बोलते हैं वो it's it gives us the same effect as any drug will give. तो हमारा माइंड जो है वो डोपामीन प्रोड्यूस करता है, एक फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जब वो नहीं मिलता है तो कई बार सर दर्द होना चालू होता है. और अभी फिलहाल आई एम ट्राइंग टू डिप्लीट माय बॉडी ऑफ द कार्ब्स, और इसी कारण वो विड्रॉल्स के कारण यू नो यू गेट्स हेडेक्स, एंड दैट इज़ फाइन बिकॉज योर बॉडी हैज़ टू गेट रिड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स एंड हैज़ टू यू नो स्टार्ट टू डिग इन टू द स्टोर्ड फैट, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है. तो वो अब मेरी बॉडी ने चालू कर दिया है. ऑफ़ कोर्स लॉट ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गर्मी के टाइम में हाइड्रेशन ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपको स्वेलिंग आती है तो उसमें भी आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो फ्लश आउट करेगा और जितने भी टॉक्सिन्स हैं, और आपकी स्वेलिंग भी कम हो सकती है. And of course, I am going to see a lot of fluctuation during my periods time, क्योंकि women जो होती हैं उनके hormonal changes के कारण बहुत बार हमको जैसे हमने weight almost 1 kilo या 2 kilo कम किया है, आपको एकदम से लगेगा ये क्या हुआ, ये 1 kilo 2 kilo वापस कैसे आ गया, just during that time, क्योंकि बहुत ज़्यादा water retention होता है. तो उस चक्कर में हमारा वेट जो है हमेशा स्केल पे ज़्यादा आएगा. आई रिकमेंड प्लीज़ डोंट गो थ्रू वॉट आई गो थ्रू, बिकॉज आई के नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई हैव टू गो एंड स्टैंड ऑन दैट स्केल, और मुझे अपने आप को बुरा लगवाना होता है. लेकिन आप प्लीज़ अपने आप के साथ ये मत करो. जब आपके पीरियड्स आने वाले हों, अगर आपको डेट्स पता होती हैं, तो उसके कुछ दिन पहले से लेके कुछ दिन बाद तक वेट मत लो. अगर आपको बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिवनेस है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके एफर्ट्स का कि नहीं, तो आप अपने आप के मेजरमेंट्स लेके रख सकते हैं जब आपकी शुरुआत होती है. मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं और कैसे जर्नलिंग करनी है इसकी.
तो वो प्लीज़ देखिएगा और मेजरमेंट्स आप लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा स्केल रहेगा आपके यू नो प्रोग्रेस को मेजर करने का इंस्टेड ऑफ द वेइंग स्केल. और बट मेरा क्या है कि मुझे ना एवरी डे आई हैव टू स्टैंड ऑन द स्केल. इट्स अ वेरी बैड हैबिट दैट आई हैव. एंड ऑफ कोर्स बहुत डिप्रेशन फील होता है जब है ना एकदम से आधा किलो ज़्यादा आ जाता है, एक किलो ज़्यादा आ जाता है, जबकि यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, यू हैव गॉन बाय द बुक, यू हैव हैड लॉट ऑफ वाटर, यू योर डाइट वॉज लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ज़्यादा प्रोटीन एंड प्रोसेस्ड निल और या फिर बहुत ही कम या फिर थोड़ा ही शुगर जितना आप नॉर्मली ले रहे हो एंड यू वर स्टिल सीइंग सम चेंजेस. थोड़ा और वेट लॉस आपको तब भी दिख रहा था, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? सो इट प्लेज विथ योर माइंड कि नहीं, माय एफर्ट्स आर नॉट वर्किंग, यू नो. बट यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि इस टाइम पे जब आपको इस तरह का डिप्रेशन फील होता है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये देखो कि आप कहाँ से, आपने कहाँ से चालू की थी अपनी जर्नी और अब आप कहाँ पे हैं. एंड व्हेन यू सी दैट यू रियलाइज कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे. मे बी जो चीज़ें थोड़ी टाइट हो रही थी आपको, वो थोड़ा ढीला होना चालू हो जाएंगी, या फिर योर फेस टू यू योर सेल्फ मे बी इट विल लुक मच स्लिमर और मच बेटर टू यू. यू विल हैव यू नो बिकॉज ऑफ बेटर हाइड्रेशन, आपके चेहरे में थोड़ी ज़्यादा चमक होएगी. सो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन. ऑफकोर्स ट्राई करो, जितना हो सकता है ट्राई करो, है कि नहीं? कीप इट सिंपल फॉर योर सेल्फ, दैट इज माई मंत्रा. जब तक आप अपने आप के लिए चीज़ों को सिंपल नहीं रखेंगे, तब तक यू नो यू विल नॉट कंटिन्यू इट. जो भी चीज़ हमको ईजी लगती है, हमारी बॉडी को ईजी लगती है, वो ही चीज़ हम कंसिस्टेंटली कर सकते हैं एंड वॉट वर्क्स, राइट? मुझे फास्टिंग में कंसिस्टेंसी इसीलिए लगती है क्योंकि यू नो आई एम एबल टू ईट व्हाट आई लव एट द एंड ऑफ द डे. और मैं खाने के बाद में कुछ ना कुछ स्वीट ले रही हूँ. आज जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं एक मैंगो खा रही हूँ, कल मैंने दो लड्डू खाए थे, परसों मैंने तीन लड्डू खाए थे, बिकॉज राइट नाउ दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ देयर. और मैं ज़्यादा कुछ मीठा मंगा नहीं रही हूँ बिकॉज देन आई गिव इन, क्योंकि अगर कुछ मीठा रखा रहता है घर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे अपने आप को कंट्रोल करना. आई डोंट नो इफ यू गाइज ऑल्सो गो थ्रू दैट. अगर होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या करते हो अगर ऐसी क्रेविंग्स होती हैं जब सामने रखी हुई है, हुआ है खाना, और आपका पसंदीदा मीठा है या जो भी चीज़ शायद आपको पसंद हो, तो हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ, मुझे ज़रूर बताइएगा. मे बी आई कैन गेट सम टिप्स फ्रॉम यू. तो आई हैव बीन ईटिंग स्वीट, मैं चाय में शक्कर डाल के पी रही हूँ, एंड आई एम डूइंग एक्सरसाइज. सो आई एम डूइंग लाइक 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे. अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, किसी किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है या कुछ, तो आई ट्राई टू जस्ट मूव अराउंड अ बिट. ज़्यादा लाइक सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ने की कोशिश करती हूँ, या फिर मेरा जो फास्टिंग टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, या फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या कपालभाति बैठे बैठे बस वो ही कर लिया. तो जिस दिन नहीं होता एक्सरसाइज का मूड, उस दिन भी मैं ऐसा कर लेती हूँ, थोड़े से पुशअप्स ऐसी दीवार पकड़ के कर लिए, एंड सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली अगर मूड हुआ तो. तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ तो मूवमेंट ज़्यादा करना ही पड़ता है. दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. एंड ऑल्सो माय मदर हैज़ टेकन माय किड्स, अभी वहाँ पे भोपाल में है वो लोग, तो मुझे और ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपने आप के लिए, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल.